राम भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम आपको आज लेके जा रहे हैं लाल किला और जामा मस्जिद, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि आखिर वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। जो व्यक्ति घूम चुके हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया बात है, जो नहीं घूमे हैं वो हमारे से जुड़े रहिए। हम आपको दिखाएंगे लाल किला में क्या क्या चीज़ है कि फेमस माना जाता है, और जामा मस्जिद में क्या क्या चीज़ है। हमारे साथ बने रहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे गली का नज़ारा है और हम निकल चुके हैं जामा मस्जिद और लाल किला के लिए। लाल किला के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाएंगे, तो हमारे यहाँ से जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है सहादरा, तो हम यहाँ से रिक्शा लेंगे और सहादरा मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते चलेंगे बीच बीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बने रहिए हमारे साथ। ये है आपका सहादरा रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन भी है सहादरा। ये है आपका सहादरा मेट्रो स्टेशन। चलिए अंदर चलते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। भीड़ है, हमें रुकने की जरूरत नहीं, हमारे पास स्पॉट है। आगे बढ़ रहे हैं, ये मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो आ गई। हम मेट्रो के अंदर चलेंगे और सबसे पहले तो हम सहादरा आए, सहादरा जाएंगे कश्मीर गेट और वहाँ से चेंज करेंगे लाल किले के लिए अपना। तो ये मेट्रो आ गई गेट के अंदर, हम उसे ये आ गया आपका कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम उतरेंगे, उतरने के बाद हम जाएंगे पिंक लाइन पे, वायलेट लाइन, सॉरी वायलेट लाइन पे जाएंगे। वहाँ से हम लाल किले के लिए चेंज करेंगे। हम चांदनी चौक से भी जा सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट लाल किला ही जाएंगे, क्योंकि तो हम उनके जाने से ज़्यादा। ये है कश्मीरी गेट, कश्मीरी गेट रेलवे सॉरी मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो आ गई है और हम अंदर गए। मेट्रो के अंदर का नज़ारा भी कुछ मज़ा ही आता है। ये हम निकल गए बाहर, ये हम निकले हैं चांदनी चौक, निकले थे हैं कि आपको पैदल चल के कुछ मार्केट भी दिखा दें। लाल किला डायरेक्ट जा सकते हैं लेकिन हम नहीं है। देखिए आपका ये है आपका चांदनी चौक। लाल किला के पीछे जो है गुरुद्वारा है, ये काफ़ी अच्छा गुरुद्वारा है। आप कभी आओ यहाँ पे, देखो बहुत ही मजा क्या चीज़ है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली गुरुद्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और बताना बहुत ज़्यादा चीज़ है। देखिए वाह, ये है निरहुआ रिक्शा वाला, बिहार का रिक्शा वाला, दिल्ली का केजरीवाल ऐसा नहीं कहते रिक्शे वाले को भी ना आजकल नवाब। ये भारतीय स्टेट बैंक है, दिल्ली का सबसे छोटा बैंक, सबसे छोटा सा, बड़ा कौन सा है तो भाई, बड़ा तो अपने पास है। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं, हम आ चुके हैं लगभग जिसके सामने आपको लाल किला दिख रहा होगा है ना। अब हम जा रहे हैं, मंदिर है लाल किला, जब गरीब जाइएगा तो आपको दिखेगा। तो हम अब रोड क्रॉस करके लाल किला के पास पहुँच चुके हैं। अब आप देखिए लाल किला खूबसूरत अंदर फाइनली हम पहुंच गए हैं लाल किला। आगे का दिखाते हैं आपको, अंदर जाते हैं पहले देखते हैं कि क्या सीन है अंदर का, एंट्री कितना फ्री लगता है सब चीज़। हम अंदर जा रहे हैं अब, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। देखिए लाल किला साइड साइड में बनाया गया है, क्या नज़ारा है देखते तो मज़ा ही आ जाता है। बच्चा का अंदर चलते हैं, अंदर भी सबसे पहले दरवाज़ा दिख रहा है सामने से। हम जाएंगे सबसे पहले टिकट लेंगे, टिकट कितने की है तो 50 रुपये है सिर्फ लाल किला के लिए, 80 रुपये है। हम अंदर घुस रहे हैं, चेक कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी अंदर घुस रहे हैं फटाफट घुसते हुए। ये साइड में पानी भरा हुआ रहता था पहले, अब सूखा हुआ है, पता नहीं क्यों सूखा। पानी लगा के रखे तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा। अब हम एंट्री करने वाले हैं लाइट के अंदर। चलिए प्रूफ है तो चलिए अंदर घुसते हैं। अंदर घुसने के बाद सब बाहर से भी दिखता है और तो अंदर से भी जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है। अब ये जो अंदर घुसने वाले हैं ना, ये मीना बाजार है, वो लाल किला बेगम के लिए लगता था, सिर्फ बेगम आती थी और यहाँ से सामान खरीदती थी। यहाँ एक एक चीज़ ऐसा ऐसा चीज़ मिलेगा आपको, देख के आप दंग रह जाएगा। लेकिन
जितना आपको बाहर में कोई चीज़ 5 रुपये मिल रहा हो तो यहाँ वो चीज़ 500 रुपये मिल रही है। ये चीज़ भी खूबी है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ आपको लाल किला के अंदर मिल रहा है। लाल किला में भी ये मीना बाज़ार है, बहुत फेमस है मीना बाज़ार, जिसको बेगम आया करती थी यहाँ पर सामान खरीदने के लिए अपना बाज़ारों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी देखने वाली इतनी नहीं है। और म्यूजियम के अंदर जाने के लिए, म्यूजियम अभी जाएंगे, पहले सब जगह घूम ले फिर आपको म्यूजियम हम घूमेंगे। और मैं भी म्यूजियम को अभी घुमा नहीं हूँ, मैं भी बाकी सारी चीज़ें तो घूम चुका हूँ लेकिन म्यूजियम नहीं घूमा। चलिए म्यूजियम के आगे बढ़ते हैं, म्यूजियम बाद में घूमेंगे, पहले तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज तक क्या चीज़ दिख रही है आगे। वो ये है, ये एंट्री प्रवेश, यानी कि मीना बाज़ार से सीधे इसी रास्ते से जो है उसके कहते हैं जहाँ अकबर बैठता था लिखा हुआ है, जहाँ ये जो मीना बाज़ार से सीधे ये रास्ते से हम अकबर बैठता था, अकबर तशरीफ लाता था, अकबर नहीं सॉरी शाहजहाँ, अकबर भी यहीं पे था और शाहजहाँ पहले था, शाहजहाँ ने बनवाया ना। यहाँ से जो दिखेगा ना सीधे वो जो मुकाबला दिख रहा है, ये जो दिखे गेट जो दिख रहा हुआ थोड़ी पर सामने, ये डिज़ाइन जो है ना उस समय के सबसे बहुमूल्य सबसे कीमती डिज़ाइन था ये। खैर अभी तो कुछ चीज़ें है ना, और चलिए आगे चलते हैं। ये जो दिख रहा है वहाँ पे शाहजहाँ बैठा था, तो कहा जाता था कि एक सिख ने लगभग गुरुद्वारा बंगला साहिब से वहाँ से एक तीर मारा था, लगभग 15-20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और ये तीर ना ये शाहजहाँ के यहाँ जा बैठा जाकर दिखाऊँ उन्होंने भी यहाँ आके ना उनके मतलब यहाँ बैठे थे ना कुर्सी पे आके लगा था एक चीज, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। जो है शाहजहाँ का दस्तरखान नहीं उसकी राजगढ़ थी, उसने यहाँ पे ना आम लोगों को बुला के वो मतलब पंचायती करता था, जैसे कि किसी ने कोई काम कर दिया कोई गुनाह कर दिया तो उसको सबको सजा यहाँ मिलती थी। ये देखिए यहाँ पे ना आके वो तीर लगा था, तो शाहजहाँ कहता था बहन चुप इतना ताकतवर है सिख कि उसने इतनी दूर से बाण मारा और आके मेरे कुर्सी पर लग गया। इसी सोचने वाली बात है कितनी सिखों में, तभी तो कहते हैं कि 1.25 लाख से बाज लड़ा हुआ तभी जो है सिंह नाम कमावा है ना। वही पता नहीं अब कहावतों में तो हिंदू में मेरी कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, जो भी सुना है अच्छा ही सुना है। काफ़ी खुश नजर आ रहा है, देख के मज़ा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत सारी चीज़ें देखने की हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, ये है दीवान आलम, यानी कि आम सभा को बुला के और पंचायती किया जाता था यहाँ पे है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखिए ये जो चीज़ एक दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, और कहा जाता कि जो मुमताज़ बेगम थी यहाँ पे, मुमताज़ बेगम रोज़ नहाने आया करती थी, तो लेकिन अभी इसमें जो है पानी नहीं है, अभी जगह जगह आपको अंदर जो पिलर दिख रहे होंगे उसमें से पानी का फुहारा निकलता है। बरसात के मौके में देखिए दिल के सेब का बनाया है, ये कुछ भी अभी नहीं बना है, ये सब है सब पहले का ही बना हुआ है। हम चलते हैं वहाँ अंदर तक घूम के आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। आगे बढ़ता है, ये आगे बच्चे हैं यहाँ पे देखने के लिए, हम आगे बढ़ते हैं, ये चलते हैं यहाँ पे। ये है यहाँ से लेकिन नहा के, और यहाँ पे इनका कमरा है सामने से, आगे जाके घुसा जाता है मुमताज़ बेगम के लिए कमरा बनाया था शाहजहाँ ने। ये रहा इसका गेट, नीचे से यहाँ पे नृत्य वगैरह हुआ करता था, और अंदर जो दिख रहा है वहीं से एंट्री है, यहाँ से भी एक एंट्री है, देखिए दिख रहा है सामने, यहाँ से भी एंट्री हुआ करता था, वही फिलहाल ताला लॉक। ये देखिए यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ा करता था, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ से नमाज पढ़ने के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, ये है जो दिखाने वाला हूँ, ये आपका है जेल, कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था। देखिए इसका दरवाज़ा कितना बड़ा, यहाँ पे सारे जितने कैदियों थे सबको यहीं पे रखा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जो है यहाँ पे ये भी नमाज पढ़ने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। और सामने आगे जो है उसके जो पत्थर जो है ना काफ़ी कीमती पत्थर होते हैं यहाँ के, देखिए दीवान खास खास लोगों को मेहमाना अतिथि भवन जिसे कहते हैं ना, अतिथि का रूम कमरा बनाया गया था,
वैसे ही है, ये छोटे छोटे बंदे तो यात्रियों के लिए बनाया गया है ना। और इसके बाद ना आगे जो है, ये देखिए सामने दिख रहा है, ये मस्जिद है ये बनी हुई है। तो मुझे लगता है ना, मुझे लगता है कि ये मस्जिद को देख के ना, भारत में जितनी मस्जिद बनती है ना, सारी इसी डिज़ाइन की बनती है, क्योंकि ये मस्जिद जो है ना, इसका लुक जो है ना, काफ़ी अच्छा दिखता है। क्लियर के बच्चे हैं बच्चे वो टाइम बच्चों में ये देखिए, ये शायद जो महमदन होंगे उनको पता है, जो कि नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोया जाता है, इसको प्रूफ कहते हैं। वो यहाँ पे इतनी सारी जगह बनाई गई है, बीच बीच में ये गड्ढा बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर हाथ धो के, हाथ पैर धो के और मुँह हाथ भी धोया जाता है, सब चीज़ को धो के, और सामने जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ने जाया जाता था। और यहाँ पे भी कुछ सेनापति वगैरह बैठा करते थे, जिन्हें कि कितना अच्छा खुशनुबा, काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पे इमारतें बनी हैं, देखते हैं तो सही लगता है ना। काफ़ी देखते हैं आगे, ये है कैद खाना, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था ना। और आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए कौन सा महल है, ये भादु मंडप है, भादु मंडप ये बनाया गया था। ये है आपका यहाँ से देखिए, और आगे सामने पूरा मंदिर है, यहाँ पे बैठ के यहाँ पे पता नहीं कुछ होता हुआ था, तो मिट्टी वगैरह होता तो यहाँ पे रहते देखा जाता है भादु के महीने में है ना। वहाँ पर लिखा भी होगा भादु मंडप के नाम से। मुझे पीछे दिख रहा है म्यूजियम भादु मंडप, यहाँ पे लिखा हुआ है भादु का मंडप है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी घूम चुके हैं और धूप भी काफ़ी तेज है यहाँ पे, ठंड के मौसम में है घूमने के लिए, फिर भी देखिए हीरा महल है और चारों तरफ है ना बाउंड्री यानी जाने के लिए दरवाजा बनाया गया था, और इसके अंदर जाने के लिए ना एक धूप मार्ग हुआ था, पता नहीं जो कि शायद वहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने पिछली बार पढ़ा था, मैं उसको दिखाता भी हूँ आपको, उसमें लिखा गया ना कि ये अंदर ही अंदर सुरंग बनाया गया था, उसके अंदर सुरंग करके ऐसे करके है ना, और वो एक कुर्सी रास्ता बना था इसके अंदर, पानी के अंदर अंदर ही अंडरग्राउंड मेट्रो अंडरग्राउंड चलता, और इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, हीरे जवाहरात मोती वगैरह धन जितने भी है उसी में रखा जाता था। म्यूजियम चलेंगे अभी बात नहीं, चले चले आगे चलते हैं फटाफट, बहुत सारे रहस्य क्या चीज़ है ये दिखाते हैं आगे बोर्ड, सब चीज़ यहाँ पे जो चीज़ बनी हुई है सबके सामने बोर्ड रखा गया है, चलिए उनको बोर्ड चीज़ दिखाता हूँ। ये राजे सामने हमारे महल जाफर महल बहादुर शाह जफर द्वारा 1842 में निर्मित है, वक्त के बाग के बीच बनाया गया सावन भादुर मंडप की सीधे से मौजूद है, लाल बलुआ पत्थर जिससे बना यह महल 48.2 मीटर की लंबे और 46.6 मीटर की चौड़ी टैंक में स्थित है, जो प्रारंभ में इस बाग को साथ एक उपमार्ग से जुड़ा हुआ है। इस इमारत में छोटे कक्षों के घेरा एक केंद्रीय कक्ष है, जिनकी छत और फर्श अब मौजूद नहीं है। समझ लिए, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक ये रास्ता जो जा रहा है, एक छोर से दूसरे छोर तक मिला हुआ है 46 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये मिला हुआ है अंदर, अंडरग्राउंड इसके नीचे नीचे रास्ता बनाया गया था उस समय के लिए। वाह, ये टूरिस्ट घूमने के लिए आए यहाँ पे, देखिए कितना यूनिक चीज़ है यहाँ पे। ये ना वही चीज़ें हैं जो कि ये भागवत मंडप से लेके है, जो साइड में बनाया गया था हीरा महल से लेके चारों तरफ से एक सुरंग में जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं म्यूजियम में, आगे चलिए म्यूजियम में उसी करते हैं हम सर की अंदर आ गए। हाँ दोनों को चूँकि 100 रुपया है, देख सकते हैं पुराने जमाने से 30 रुपया है, जो कि अंदर का जो है काफ़ी काम से नज़ारा है, माहौल अंदर आकर लग रहा है कि हम काम के देश में है। आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे सारी चित्र दिखाई देगी, मेरे जब से देश आज़ाद हुआ या आज़ाद होने से पहले कैसे चीज़ें थी, कैसे कौन सी रणनीति रखी गई थी, क्या क्या होता, कौन कौन से इंसान थे जो देश के लिए हुए, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अभी तक बचा संभाल के रखा गया था, सारी चीज़ें इसके अंदर रखा है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है, दूसरे म्यूजियम में रखा गया है, जो लगभग लगभग कुछ चीज़ें यहाँ पर भी रखी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं फटाफट फटाफट।
ये आते दूसरी ले मंजिल पे। ये पैसे तो वसूल करना है भाई, पैसे लगाने। बस तस्वीरें वगैरह रखी गई है, लेकिन मंदिर का असली जगह इसमें आता है ना कि पुरानी पुरानी चीज़ें रखा जाता है कि ये चीज़ उनकी है, ये चीज़ उनकी है, ये चीज़ उन्हें लगाई थी। कपड़े वगैरह में निकाल गया था घर में, वहाँ पर मंदिर में सारी चीज़ें दिखाया गया था। ये जो है इस राजा की है, ये जो है इस राजा की है, इस राजा की कोट, इस राजा की तलवार, इस राजा की कपड़े, सारी चीज़ें पैसे तक वहाँ पर ना नेपाल में 5-5 हज़ार का एक सिक्का होता था। सिक्का भी रखा, मैं जाऊँगा कभी नेपाल में तो बनाऊँगा नेपाल में भी। तब हाँ वहाँ पर फोटो खींचना अलग नहीं है, बाकी तो अगर बनाऊँगा तो उसके लिए लेकर जाऊँगा। फिलहाल तो आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति जाने सभी लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं भक्त है या फिर मैं कुछ है, पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे हमारा खत्म हो गया। ऐसे चलते हैं दूसरे म्यूजियम को, देख लिया हमें, चलते हैं दूसरे म्यूजियम में। ये वाला म्यूजियम है, पिछले दिन में तो अंकित किया ही नहीं है, चेहरा में अंक किया भी काम चल रहा है, पता नहीं क्या काम चल रहा है। उसमें हाँ वही जाना चलो हमारे चलते हैं, उसमें जाते हैं, इसमें भी अच्छे नहीं चलिए अगले भी चलिए। सर मैं तो थक गया घूमते घूमते, बहुत ज़्यादा घूम ली, कोई नहीं, लेकिन घूमने में तो मज़ा तो आता ही है, बहुत मज़ा आएगी, बने रही हमारे साथ और घूमी और भी बहुत सारी जगह। उसके बाद जो लोग आने वाली है बहुत ही धमाकेदार आने वाली है, तो बने रहिएगा तो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, है ना। तो देखते रहिए आगे, दूसरे म्यूजियम में पहुँचने वाले हैं, पता नहीं वहाँ एंट्री है नहीं है, तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरा का। चलिए चलते हैं, लेकर चलते हैं, चलिए इसमें ट्राई मारते हैं एक बार, है टिकट कटने का सही है, टिकट दिखाया हुए सर मजा आ गया। 1919 की भारत देखिए, इसमें दिखाए क्या काम हो गए, कुछ खुलेगा टेक्नोलॉजी कमी से भारत इतना आगे था, लेकिन तो भारत लूट के गए ना, मेरे घंटे तक से देश खुला हुआ है। मेरे भगवान के लिए भी जा रही है यहाँ पे लोग, खुलाया जा रहा है यहाँ पे जगह जगह, कुछ काम कुछ ये कुछ तस्वीर ये कुछ हमारा विकास हमारा प्रदेश बाहर देखो से मैं कितना बदल जाता हूँ। तस्वीर के लिए पता नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़ाके स्तंभ स्तंभ देखने का मजा कुछ और है, रियलिटी में जाऊँगा कभी स्तंभ देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ तस्वीरें वगैरह लगाई गई है। अरे ये देखिए जितने भी से शासक भारत में आके सबकी भाषा हमें तो समझ आया था नहीं भाई, हमें तो हिंदी आती है बस। अपराध और दंड, जिन्होंने अपराध भी नहीं किया उनको हिंदी में है ना, तो नहीं बदला तो बहुत सारे अटैक हुए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में, लेकिन अपराध देखिए हिंदुस्तान कितना बड़ा वो करता था पहले। चलिए अभी हम घूम चुके हैं, जो हमसे भी बाहर चलते हैं भाई। ये 1857 का भारत,
सही है बस सबसे बिगड़ हो सस्ती करना सबसे बोलना इसके अंदर भी है बहुत सारी चीज़ें देखते बहादुर शाह जफर की तलवार बेगम का अच्छा ऐसे कपड़े थे बेगम के बहादुर शाह जफर का बस और मुझे डालते हैं बेगम के कपड़े भी बहादुर शाह मोटा दिल्ली का गद्दार टेररिस्ट ऑफ दिल्ली कश्मीरी द्वारा पास मिले तो कश्मीरी द्वारा मिले पासपोर्ट के गोले सकीम के गोले मिले राइफल
चलो भाई अभी घूमने खत्म कर निकलते बाहर, देखते हैं दूसरे म्यूजियम की तरफ चलते हैं। और शायद खत्म हो गया लगा रही है सारी, ये तो भाई कहाँ काट रहा है लोग सारे म्यूजियम घूम चुके हैं। बाहर चल रहे देखिए बच्चों की रैली और स्कूल की तरफ से सबको घुमाया जा रहा है ना, तो इसमें धीरे में बच्चे मजा लेते हैं। ये सब घूमना है, चलिए आओ दिल्ली, दिल्ली आओ तो लाल किला जरूर घूमा, लाल किला घूमा, सारी चीज़ें एकदम बढ़िया बढ़िया सब तस्वीरें तस्वीर सब मेरा मजा आ जाएगा भाई साहब। एक म्यूजियम और घूम के हमारी टिकट देख लीजिए यहाँ से देश के लिए कुछ ना कुछ कहते गया है। अब
भी कुछ देश के लिए करे कि आप अगला पिलर पे आपका नाम है मरने के बाद। मरना तो सबको है ही भाई, ये तो निश्चित है सबको मरना ही है। कुछ ऐसा करते जाओ ना कि आपका भी नाम आपके लिए पता है, जैसे म्यूजियम में रहे इतिहास दिखा दिया ना चलते हैं। कैसा लगा आपको भाई साहब लाल किला? लाल किला मैंने आपको पूरी एक एक जगह दिखाई है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ और नहीं दिखाया आपको। बाकी आप पूरे वीडियो देखे होंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, आपको भी लगा होगा खास हम भी लाल किला घूमें। तो टेंशन नहीं लेने का, लाल किला आप आइए, हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज है, आप कॉन्टेक्ट करिए, हम आपसे मिलेंगे, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।